हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जो रिश्ता मुझे अधूरा छोड़े तो मैं खुद को कहीं और पूरा क्यों ना करूं? लेकिन बेवफा रिश्ते का बोझ मैं अपने कंधों पर क्यों उठाऊं? क्या वफा ही एक तराजू है जिसमें प्यार को तोला जा सके? क्या वफा ही सब कुछ है? और नहीं तो क्या, जब एक रिश्ते में आप अपना सब कुछ देते हैं तो बदले में बेवफाई कैसे कबूल हो सकती है? ये हकीकत है कि एक बिखरते रिश्ते में वफादारी को जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। बेवफाई का फैलता नासूर लाइलाज है, ना रुकता है ना मिटता है, बस मिटाकर रहता है। हाँ विवेक बोलो। जब कोई आपको आपके पीठ पीछे हो रही बातें बताता है तब शक होता है कि कहीं वो आपको गुमराह तो नहीं कर रहा है, कोई साजिश तो नहीं रच रहा है, या कहीं वो सच तो नहीं बोल रहा है। जैसे तुम घर से निकले वो आ जाता है और तुम्हारे आने से ठीक पहले वो निकल लेता है। भाई लोचे है, देख ले। तेरी भाई फुर्मिला के बारे में झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? मुझे गलत मत समझ यार, लेकिन जो गलत हो रहा है उसके बारे में कुछ कर। वो कौन है? कौन कौन है? वही जो मेरे घर से निकलने के बाद मेरी जगह लेता है और मेरे आने से पहले घर से निकल लेता है। क्या हुआ, कुछ बोलना नहीं चाहती हो या बोलने के लिए कुछ है ही नहीं उर्मिला? क्या बोलूं हरीश, यही कि मैं तुम्हारे साथ अब खुश नहीं हूं, यही कि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है। या तो तुम मेरी बीवी हो सकती हो या फिर उसकी जो भी। प्यार भले ही घटता हो पर रिश्ते बट नहीं सकते उर्मिला। हरीश मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सोचने के लिए वक्त चाहिए उसे, मतलब वो मेरे और उसके बीच चुनने वाली है, पर मुझे कोई ऑप्शन नहीं बनना। उर्मिला मेरे घर से निकल जा, यश को तुम्हारी जरूरत होगी उसे भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन चली जाओ अभी के अभी इस घर से चली जाओ, और जिससे तुम प्यार करती हो ना उसी के साथ रहना, पूरी की पूरी उसकी हो जाओ। मैं नहाने जा रहा हूं, मेरे आने तक यह घर साफ होना चाहिए, तुम्हारा साया भी इस घर में नहीं होना चाहिए। मैं उस आदमी का ना नाम जानना चाहता था ना ठिकाना, वो कोई भी हो सकता था, खोटा तो मेरा सिक्का निकला था। अरे यार पार्क में फिर से धोखा देके। टाइम लगेगा क्या यार? नया तू मैकेनिक के साथ शादी क्यों नहीं कर लेती? कुछ भी बोलते हो। और नहीं तो क्या यार, तू भी मैं फंसा पड़ा हूं यार।
पंकज, अब क्या हुआ? वो आदमी? आदमी कौन आदमी है? कहाँ? हेलो, ये बहुत बुरी तरह घायल है, कुछ करना होगा जल्दी। हाँ सर, मैं पंकज जाधव बोलता हूँ। एक्चुअली सर, मुझे अभी एक आदमी मिला, वो गगन नगर ब्रिज के यहाँ, बहुत बुरी तरह घायल है सर। मैं उसे वो DL हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, कोई एक्सीडेंट का केस लग रहा है सर। हाँ सर, आपके आने तक यही रुकता हूँ। कुछ बोलना है? बोलो बोलो, कोशिश करो। एक्चुअली सर, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई थी बीच रास्ते, तो मैं गाड़ी ठीक कर रहा था, तब मेरी वाइफ ने, ये मेरी वाइफ है नेहा, इसने उसे देखा फर्स्ट टाइम। वो कुछ बोलना चाह रहा था पर बोल नहीं पा रहा था, और उसका गला सर, बहुत बुरी तरह चोट लगी थी उसके गले पर। आप लोग हमारे साथ अगर वो जगह दिखा सकते हैं? इधर ही सर, इधर ही। हाँ, ये क्या, यहाँ पे ना ये ऐसा गिरा हुआ था। हेमरेज बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत खून बह गया, नहीं बचा पाया। जिस जगह से हमें ये लाश मिली, वहां पर हमें ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे इसका आइडेंटिफिकेशन हो सके। उसके कपड़े चेक किए गए, पर अटेंडेंट्स को पॉकेट से कुछ मिला नहीं। हिट एंड रन का केस होता तो फिर जेबें पूरी खाली कैसे होती? हिट एंड रन, नो चांस। इंस्पेक्टर, ये मर्डर केस है, उसका गला चॉपर या तलवार से काटा गया है, और वो कुछ बोलना भी चाह रहा था पर बोल नहीं पाया। ब्लड सैंपल में अल्कोहल के ट्रेसेस मिले और जहर भी। तो मौत जहर की वजह से हुई? नहीं, पॉइजन की मात्रा अधिक है बॉडी में, लेकिन मौत हुई है हेमरेज से। ये देखिए, गले की नस काटी गई है, विंड पाइप स्मैश हुआ है, और बार बार ये पेट पे वार हुए हैं। मतलब पहले जहर देकर मारने की कोशिश की गई? चूहे मारने वाला जहर था बॉडी में। विक्टिम की एज? 23 से 24 के बीच। अब तक कोई क्लू नहीं मिला है, लगता है ब्लाइंड केस रजिस्टर करना पड़ेगा। रिश्ते के कांटे को रास्ते से नहीं बल्कि दुनिया से ही हटा दिया गया। शिनाख्त की सारी निशानियां मिटा दी गईं, ताकि कांटा निकालने वाले को कानून कभी चुभे ना। साहब, एक दिनेश मोरी की एक मिसिंग कंप्लेंट हुई है, और शक्ल हमारे यहाँ रजिस्टर हुए केस से मिलती है। मिलती तो है, कंप्लेंट किसने फाइल की थी? इसके माँ बाप आए थे। मिसिंग कंप्लेंट कल दर्ज हुई और बॉडी परसों मिली। कल रात को बोल के गया था कि किसी फ्रेंड के घर जा रहा है। साहब, वो कल रात से घर नहीं आया है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है।
आपका बेटा दिनेश मोरे काम क्या करता है? जी वो फोटोग्राफर है, कई मराठी अखबार में उसके फोटो भी छपते हैं। ठीक है, आपकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर देता हूँ। आप हमें यहाँ क्यों लाए? हमें एक लाश मिली है, लगता है आपके बेटे दिनेश की है। ठीक है कुलकर्ण, अब फाइल भेज दीजिए, इस केस के आगे की इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। ठीक है पाटिल, ना क्राइम स्पॉट से कुछ मिला है ना लाश पर से, लेकिन इस दिनेश मोरे का सेल नंबर है मिसिंग कंप्लेंट में। रिकॉर्ड्स निकलवाता हूँ सर। बेटा आंखें खोल ला बेटा, मेरा बच्चा आंखें खोल ला मेरा बच्चा, बेटा आंखें खोल ला मेरा बच्चा, आंखें खोल ला। हेलो, जी हाँ अरुण भंडारे बोल रहा हूँ। भंडारे, दिनेश मोरे को तो जानते ही होगे तुम। हाँ हाँ, वो फोटोग्राफर दिनेश मोरे ना। हाँ, 12 जून की शाम 7:30 बजे तुमने उसे फोन किया था। 12? हाँ हाँ किया था सर, फोन किया था मैंने, और मिला भी था दिनेश से रात को उसी दिन। क्या हुआ सर? सर जानता था, मतलब एक दोस्त ने मिलवाया था सर, ये अपना मोरे फोटोग्राफी वगैरह करता है ना फ्रीलांस में, तो मेरे पास एक शादी का काम आया था उसी सिलसिले में मिला था मैं दिनेश मोरे से। हुआ क्या सर उसको? मर्डर हुआ है। क्या बोल रहे हैं सर? जिस रात को तुम उसे मिले थे 12 जून उसी रात मर्डर हुआ है। लेकिन सर मुझे उसके बारे में कुछ मालूम क्यों नहीं पड़ा? मुझे कुछ नहीं मालूम सर। मिले कहाँ थे तुम दोनों? बार में बैठे थे सर, बियर मार रहे थे। बियर के बाद क्या हुआ? पता नहीं सर, मैं अपने घर के लिए निकल गया और दिनेश मोरे अपने घर के लिए, मतलब उसने कहा यही था कि घर जा रहे। संडे क्रूज के गगननगर ब्रिज के पास पड़ा था बुरे हाल में, काफी खून बह गया था। वैसे बार था कौन सा जहाँ तुम दोनों मिले थे? खार में एक अर्पिता बार है, वहां बैठे थे, पर मुझे कुछ नहीं पता सर इसके बारे में। जहाँ ये दिनेश घायल मिला था उसका फोन वहीं स्विच ऑफ हुआ था, गगन नगर ब्रिज के पास सेंटा क्रूज में। वो अपने दोस्त के साथ बार में बैठ के बियर पी रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल नोट किया गया है। ब्लड सैंपल में अल्कोहल के ट्रेसेस थे और पॉइजन भी। खून में अल्कोहल के साथ साथ जहर भी मिला है। चूहे मारने वाला जहर था बॉडी में। लेकिन मौत का कारण जहर नहीं है, स्टैबिंग है, बार बार किए हुए वार। शायद जहर काम नहीं किया होगा इसलिए स्टैबिंग करके मार डाला। समझ में नहीं आ रहा है ऐसी कौन सी दुश्मनी पाल रखी थी इस दिनेश मोरे ने। दुश्मनी किसके साथ? ना तो उसने कभी मुझे बताया, ना मैंने कभी देखा, ना कभी सुना। मेरे बच्चे की किसी के साथ क्या दुश्मनी होगी? उसे तो बस एक ही शौक था, सिर्फ फोटो खींचने का। दिनेश का कोई दोस्त, कोई करीबी? ज्यादा दोस्त नहीं थे सर, एक विशाल था और एक ध्रुव। उसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर, कोई अफेयर? अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो मुझे जरूर बताता। हर जवान लड़के के कुछ ना कुछ राज होते हैं जो माँ बाप को नहीं दोस्तों को पता होते। विशाल और ध्रुव बोला था उन्होंने, उठा कर लाओ दोनों को। सर अफेयर वफेयर रहता तो सबसे पहले आकर मैं आपको बता देता। ध्रुव क्या ऐसे हो सकता है कि दिनेश का किसी के साथ अफेयर हो और उसने तुम दोनों को बताया ना हो? चांस ही नहीं है सर। मैं, दिनेश और विशाल, हम तीनों एक साथ बड़े हुए एक ही चौल में सर। वो ना हमसे कुछ छुपाता था और ना हम उससे। ध्रुव चौहान, तो दिनेश ने यह दुश्मनी वाली बात क्यों छुपाई तुम उससे? कौन था उसका दुश्मन?
जिसने तुम्हारे खास दोस्त को गला काटकर मार डाला। सर ये सोच के तो मेरा खून खौलता है। सर मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई हमारे दिनेश की जान कैसे ले सकता है। हाँ साहब, दिनेश और मैं करीबी दोस्त थे। दिनेश का कोई करीबी दुश्मन था? दिनेश को किसने मारा होगा और क्यों? कुछ गलत किया होगा शायद उसने। क्या गलत किया होगा? पता नहीं सर, पक्का कुछ पता नहीं। ठीक है, जो कुछ कच्चा पता है वही बता दे। सर दिनेश का अफेयर था। तो क्या मैंने तुझे कभी ये कहा कि मुझे उससे मिलने से मत रोक? देख देख भाई देख, मैं जानता हूं कि तू ये चाहता है कि मैं रिश्ते से पीछे हट जाऊं, वो मैं समझ सकता हूं। चाहे तेरी जगह मुझे भी यही लगता, लेकिन क्या उर्मिला भी यही चाहती है? अगर उर्मिला ने मुझसे कहा ना कि दिनेश तेरे मेरे बीच में जो भी हो खत्म, तो मैं जबान देता खत्म। क्या रे दिनेश, क्या लफड़ा ये? पूछ मत यार, दिमाग की दही हो गई है। उर्मिला कौन है ये? PSA पटेल, मुंबई क्राइम ब्रांच, आप कौन बोल रही हैं? जी मेरा नाम उर्मिला है, क्या बात है साहब? उर्मिला जी, दिनेश मोरे को तो आप जानती होंगी। जी जानती तो हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? दिनेश मोरे अब इस दुनिया में नहीं रहा। दिनेश मोरे अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या विशाल, ये उर्मिला कौन है? सर दिनेश ने कभी उसके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं। है यार कोई? है कोई का क्या मतलब? अरे बता क्यों नहीं रहा है कौन है ये उर्मिला? अपने चौल में तो कोई उर्मिला नहीं रहती। क्यों, कहीं पे लिखा है क्या मैं चौल से बाहर वाली लड़कियों से दोस्ती नहीं कर सकता? अब तेरी इस उर्मिला से सिर्फ दोस्ती तो नहीं लगती। बताना कैसे मिला, कहाँ मिला? दो चार बार बात हुई फोन पर और फिर मिले। मिले मतलब उल्टू मिले? शादीशुदा है क्या? छोड़ना यार, कुछ और बात करते हैं। सर उस दिन के बाद दिनेश ने कभी वो वाली बात छेड़ी नहीं। सर मतलब तुम जो फोन वाला झगड़ा बता रहे हो वो शायद दिनेश का उर्मिला के पति के साथ हुआ होगा, करेक्ट? पता नहीं सर, दिनेश ने कुछ बोला नहीं। सर मैंने जो सुना था मैंने आपको ईमानदारी से बता दिया। इस उर्मिला का फोन नंबर या घर का एड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं सर। सर अभी अभी मेरी एक औरत से बात हुई, उसका नाम उर्मिला है। उर्मिला से बात हुई जिसका अफेयर दिनेश के साथ था? सर अफेयर का तो पता नहीं, लेकिन दिनेश के कॉल रिकॉर्ड से उसका नंबर मिला। मैंने उस नंबर पर फोन किया, बोली नाम उर्मिला है, उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। दिनेश को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी, खास दोस्त था मेरा। सर अब वो फोन पर तो बोलने से रही कि उन दोनों का अफेयर था। मैंने दिनेश के कॉल रिकॉर्ड की बाल की खाल की, देखा दोनों दिन में 12 से 15 बार बात किया करते, कभी कभी रात रात भर भी। ठीक है, देखते हैं दोनों के बीच कितना और कैसा गहरा अफेयर था। इस प्यार मोहब्बत के त्रिकोण में कौन वफादार था और कौन बेवफा, एक बिखरते रिश्ते की इमारत को कौन खड़ी रखना चाह रहा था, वफा के मलबे के नीचे कौन घायल पड़ा था। उर्मिला जी। जी आपके और दिनेश मोरे के बारे में कुछ बात करनी थी। यश बेटा जरा बाहर जाके खेलो। बेटा? जी यश जूनियर केजी में पढ़ता है। यश के पापा कहाँ हैं? 3 साल पहले यश के पापा हरीश गायकवाड़ को मैंने छोड़ दिया था। यश को तुम्हारी जरूरत होगी, उसे भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन चली जाओ। तो दिनेश मोरे आपका बहुत अच्छा दोस्त था, है ना? सबसे अच्छा दोस्त। उसकी खबर सुनकर? खबर दरअसल ये है उर्मिला जी, दिनेश मोरे का मर्डर हुआ है। देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि दिनेश मोरे के मर्डर के बारे में मैं कुछ भी जानती हूँ तो ये सच नहीं है। आप दोनों का अफेयर था? जी अफेयर तो था, लेकिन उसके मर्डर के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। आज ही पता चला कि अब वो नहीं रहा।
आप दोनों मिले कैसे? एक रॉन्ग नंबर से, एक साल पहले। सॉरी, लगता है आपने गलत नंबर लगा दिया है। मैं वो नहीं हूँ जिससे आप बात करना चाहते हैं। अब तकदीर ने नंबर मिला ही दिया है तो एक ऑफर रखना था आपके सामने। कैसा ऑफर? दरअसल मैं एक फोटोग्राफर हूँ और अपने दोस्त का फोटोग्राफी स्टूडियो चलाता हूँ। हमारे यहाँ काम बहुत बढ़ गया है और हमें एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है। आपकी आवाज, बात करने का स्टाइल मुझे मस्त लगा, इसीलिए पूछ रहा हूँ। आप एक अजनबी से रॉन्ग नंबर लगाकर उसे नौकरी ऑफर कर रहे हैं? अगर मैं इस नौकरी के लिए पेपर में ऐड दूंगा तो कोई अजनबी तो अप्लाई करेगा ना, और फिर उसका इंटरव्यू लेने के बाद ही पता चलेगा कि वो इस जॉब के लायक है या नहीं। आपका तो इंटरव्यू हो गया और आप सिलेक्ट भी हो गई, तो क्या कहती हैं आप? फिर दो चार बार और फोन कॉल्स हुए, लेकिन इस बार रॉन्ग नंबर नहीं। फिर हम दोनों एक दूसरे को मिले, पसंद आए और बस। और बस आगे? बस और कुछ नहीं। देखिए उर्मिला जी, हम जानते कि कोई तो था जो आपको दिनेश से दूर रखना चाहता था, क्या आप जानती है वो शख्स कौन है? देखिए मैं नहीं जानती कि आप क्या बात कर रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप जानती क्या है उर्मिला जी? बस इतना कि मैं दिनेश को पसंद करती थी और वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। इस उर्मिला के कॉल रिकॉर्ड में जितने भी नंबर है सब चेक करो, और उसका पति हरीश गायकवाड़ उसके भी कॉल रिकॉर्ड निकालो। सर पटेल कोई ना कोई तो जख्मी जरूर हुआ था, बेवफाई चेन रिएक्शन है, एक दिल लगता है तो एक दिल जलता भी है, और जलन इस बेवफाई से पैदा होने वाला चेन रिएक्शन का जहर है। बेवफाई वही होती है जहां वफाई की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। जी सर अभी पहुंच रहा हूं। नहीं सर मैं किसी दिनेश मोरे को नहीं जानता था। उर्मिला को तो जानते होंगे, कभी तुम्हारी बीवी हुआ करती थी वो। अगर सच में उसे जाना होता तो या तो वो मेरी बीवी होती या हमारी कभी शादी नहीं हुई होती। मेरे लिए वो बिल्कुल अजनबी है। मेरे बेटे यश की कोई बात हो तो बोलिए, मैं उसे कभी भुला नहीं पाया हूँ। तुम्हारा बेटा यश और तुम्हारी बीवी दोनों सलामत है। एक बात बताओ, 3 साल पहले तुम्हें उर्मिला ने क्यों छोड़ा था? उसने मुझे नहीं छोड़ा था, मैंने उसे घर से बाहर निकाला था। क्यों निकाला था? क्योंकि घर दो लोग मिलकर बनाते, तीसरे के आने से वो कुछ और ही बन जाता है। पर तीसरा आ गया तुम्हारे घर में, बड़े तीर चले होंगे ना सीने पर? हाँ चले, पर दिल को जख्मी नहीं, खाली कर दिया उन तीरों ने। जब उर्मिला ने मुझसे वक्त मांगा ताकि वो मेरे और उसके बीच में चुनाव कर सके, वो आखिरी तीर। प्यार का हर एक कतरा साफ हो गया दिल से और मैंने उसे घर से साफ कर दिया। दूसरे दिन घर से निकाल दिया मैंने उसे, तब से आज तक मैं उससे नहीं मिला हूं। दिनेश मोरे की शक्ल याद है तुम्हें या उस पहले वाले आशिक की? उनसे कभी फोन पर बात नहीं हुई और ना ही मुलाकात। उर्मिला तुम्हारे बच्चे की माँ थी और बच्चों को माँ की जरूरत होती है, इसलिए शायद माँ के आशिक को तुमने मारा हो। सर अगर आपको मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिले तो मुझे गिरफ्तार कीजिए, फांसी दे दीजिए, लेकिन प्लीज मेरे सूखे जख्मों को कुरे दिए मत। मेरा जवाब नहीं बदलेगा पर आपका वक्त जरूर बर्बाद होगा। चलता हूं सर। सर इस हरीश गायकवाड़ और उर्मिला के बीच के 3 साल के फोन रिकॉर्ड्स को चेक किया, दोनों के बीच एक भी फोन या मैसेज नहीं हुआ। और ये कहता कि इसे बच्चे की बहुत याद आती है और 3 साल में एक भी फोन नहीं। सर कुछ लोग होते हैं ना थंडे टाइप्स, ये भी वैसे ही होगा। सच कह रहे हो तुम, इस हरीश का खून ठंडा होगा पर उस तीसरे आशिक का नहीं। मतलब सर? 3 साल पहले हरीश ने उर्मिला को घर से इसलिए बाहर निकाला क्योंकि उसका किसी तीसरे आदमी के साथ अफेयर था। 1 साल पहले दिनेश और उर्मिला मिले, उनका अफेयर शुरू हुआ, तब ये तीसरा आशिक घायल हुआ होगा और उसने जख्म का बदला कत्ल से लिया होगा। सर लगता है तीसरा शायद यहां मिलेगा। उर्मिला के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर उस आदमी का जरूर होगा। दिनेश के साथ उसका फोन पर झगड़ा हुआ था, मतलब दिनेश के कॉल रिकॉर्ड में भी उसका नंबर होगा। सर लगता है हमें हमारा तीसरा आदमी मिल गया। सर लगता है हमें हमारा तीसरा आदमी मिल गया। सर वो आदमी जिससे दिनेश की आखिरी बार बात हुई थी और जिससे वो आखिरी बार मिला था। अरुण भंडारे? यस सर, मैं उससे मिला था।
चूहे मारने की दवाई कहाँ मिलती है, पूछना इधर से। चल सब सब भाई शपथ साहब, मैं नहीं लाया वो दवाई, मेरा दोस्त करण लाया था। इस करण को हम कहाँ से लेकर आए? क्या ऐसे स्टैचू कैसे बन गए, भागेगा नहीं हमसे? चल कायदा लो साहब, आपके इस चूहे ने आपके दुकान से चूहे मारने की दवाई चुराई। चल ये आला। जी क्राइम ब्रांच। सर मेरे दोस्त दिनेश के बारे में कुछ पता चला क्या? हमने तुम्हारे दो दोस्तों से गुफ्तगू की, एक पवन चाय वाला और दूसरा करण किराने वाला, और ताज्जुब की बात बताओ उन दोनों को पता है कि तुम्हारे दोस्त दिनेश का दुश्मन कौन था। उन दोनों को यह भी पता है कि तुम्हारे दोस्त दिनेश का गला किसने काटा है। अजीब बात है ना, उन दोनों को सब कुछ पता है और तुम्हें कुछ भी पता नहीं। अरुण तुम्हारे जैसे दोस्त अगर किसी को हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। ए दिनेश ज्यादा ना बकबक मत कर, छोड़ दे मतलब छोड़ दे उर्मिला को। अरे क्यों का क्या मतलब है यार, तुझे पता है ना मेरा और उर्मिला का अफेयर चल रहा है। तो क्या कभी मैंने तुझसे ये कहा कि मुझे उससे मिलने से मत रोक? अरे तू होता कौन है मुझे या उसे कुछ कहने वाला, तेरी औकात ही नहीं है कुछ। देख देख भाई देख, मैं जानता हूँ कि तू ये चाहता है कि मैं इस रिश्ते से पीछे हट जाऊँ, वो मैं समझ सकता हूँ। शायद तेरी जगह मुझे भी ये लगता, लेकिन क्या उर्मिला भी यही चाहती? अगर वो कहती कि हमारे बीच में जो कुछ भी था वो खत्म, तो मैं जबान देता हूँ खत्म। उर्मिला तो एड़ी है क्या, कैसे सोच सकती कि इस चक्कर को छुपा लेगी मुझसे? तो फोन और SMS की जगह अगर कोई नया एप्लीकेशन भी इस्तेमाल करती है ना उस दिनेश से टच में रहने के लिए, तो बेवकूफ मुझसे छुपानी है ये। कुछ छुपाया होगा तभी तो छुपेगा ना अरुण, मैं जो करती हूँ खुलकर करती हूँ। उर्मिला 3 साल का रिश्ता है तेरा और मेरा, तेरे पति ने तुझे लात मारी तो मैंने संभाला, ये घर साल साल भर का किराया कौन दे रहा है, हरीश या दिनेश? मैं दे रहा हूँ, और क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि प्यार करता हूँ तुझसे। और तू उस फोटोग्राफर के साथ गुटरगू कर रही, चार आने की भी वफाई है कि नहीं तुझमें? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन दिनेश के लिए भी लगाव है मेरे मन में। हाँ मालूम है मुझे, इतने सालों का प्यार इतने सालों की देखभाल सब ठुकरा कर तू उस दिनेश के साथ चली जाएगी, है ना? अरुण मैं क्या करना चाहती हूँ क्या नहीं ये तय करने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे पक्का पता था दिनेश ने अगर उसको हाथ दिया है तो मेरा हाथ जरूर छोड़ देगी। जैसे तुम्हारे हाथ आगे बढ़ाते ही उसने अपने पति का हाथ छोड़ दिया था, बराबर है ना? जैसे तुम घर से निकले वो आ जाता है, और तुम्हारे आने से ठीक पहले ही वो निकल लेता है। भाई लोचे है देख ले। तेरी भाई उर्मिला के बारे में झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? एक जोड़ी कपड़े में आई थी छोटे से बच्चे के साथ, पूरा का पूरा घर खड़ा किया उसके लिए मैंने। ये सब अब याद आ रहा है तुझे जब उर्मिला ने तुम्हारे साथ बेवफाई की? सर वो दिनेश उसके लिए ये सब कभी नहीं कर सकता था, और ना ही उसके साथ वफादारी करता, एक नंबर का अय्याश था सर। अबे अरुण तू धमकी दे रहा है या चुटकुला सुना रहा है, मुझे सचमुच हंसी आ रही है। यार धमकी वमकी मैं क्या दूंगा यार, मैं तो खुद मांडवली करना चाह रहा हूँ। एक काम करते हैं मिलते हैं और मिट्टी डालते हैं इस बात पे। ये हुई ना मर्दों वाली बात, अब वो मेरी नहीं है तो ना सही, और तो उसको खुश रखेगा मुझे मालूम है, बस ये कि एक बार फेस टू फेस बैठ के सब क्लियर कर देते हैं। अरे यार मैं भी तो वही चाहता हूँ। हाँ तो फिर मिलते हैं आज। आज? हाँ अभी। मैंने उस शाम को अपने सेठ से गाड़ी उधार ली थी। रास्ते से मैंने पवन और करण को उठाया। तुम लोग बार में बैठे थे? नहीं सर हम बार बार नहीं गए थे, बाहर मिले और वहीं पे बियर मारी। बियर में चूहे मारने का जहर मिला था? हाँ। मतलब दिनेश को मारने का प्लान तुम लोगों ने पहले से ही बना लिया था? हाँ सर प्लान बनाया था, लेकिन ये सब कभी नहीं होता अगर वो मेरी उर्मिला के बारे में ऐसी बात नहीं करता। कौन सी बात, क्या बोला था दिनेश ने? क्या रे अरुण अपने दोस्त लोग को साथ में लेकर आया मेरे को ताकत दिखाने के लिए?
काय की ताकत यार, इनको भी बियर पीनी थी तो आ गए साथ में। मुझे ना दिनेश तुझसे एक ही सवाल पूछना है, ये उर्मिला को लेकर तेरा इरादा क्या है? अरे यार अरुण, अरे तू उर्मिला का प्रेमी है, बाप जैसे सवाल काय को कर रहा है? क्योंकि एक सच्चा प्रेमी एक बाप की तरह देखभाल करता है अपनी औरत की, जैसे मैंने उर्मिला और यश की। देख यार, तेरा प्यार सच्चा है। अरे मेरा प्यार तो झूठा भी नहीं है। अगर तेरे को इतना दर्द हो रहा है तो मैं पीछे हट जाता हूँ यार। इतनी आसानी से पीछे हट जाएगा? ये बियर है ठीक है, ठंडी है, बुलबुले दे रही है, मैं इसे पी रहा हूँ। ये मेरा रिश्ता है इस बियर के साथ। एक बार बियर खत्म हो जाएगी तो बॉटल फेंक दूंगा और नई बॉटल ले आऊँगा। लेकिन हाँ, अगर ये बियर ठंडी नहीं होती, बुलबुले बैठ गए होते तो भी बॉटल जरूर फेंक देता। मतलब बॉटल फेंकनी है। साफ साफ बात करना यार, अभी और कितना साफ बोलो तेरे को। देख, ये बियर की बॉटल और तेरी उर्मिला में मेरे लिए कोई फर्क नहीं। जब तक मजा है तब तक रिश्ता है, एक बार मजा खत्म रिश्ता खत्म। लेकिन हाँ, जब तक ठंडी है, बुलबुले दे रही है, अरे मेरे को पी लेने दे। देख, मजा खत्म तो बॉटल फेंक दी। दिनेश की बातें सुनकर मेरे खून में गुस्से के बुलबुले फूटने लगे। वो मेरे प्यार उर्मिला के बारे में इतनी घटिया बातें कर रहा था, लेकिन मैंने अपना गुस्सा पी लिया। और अब बारी थी दिनेश की जहर पीने की। सुनने में अच्छा तो नहीं लग रहा जो तू बोल रहा है, लेकिन सुकून है कि कम से कम तूने अपने दिल की बात रखी। अब ना ये फैसला मैं उर्मिला पे छोड़ दूंगा, तेरे और मेरे बीच की जो दुश्मनी थी वो खत्म। अरे होनी भी नहीं चाहिए यार, और वैसे भी दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं जिसकी वजह से दो दोस्तों में दुश्मनी हो। सही कहा। तो इसी बात पे एक और बियर हो जाए, ठंडी बुलबुलाती हुई। अरे ये हुई ना बात। अपने बीच की जो भी गलतफहमी है सब इस बियर में डूब जाए इस साले। चीयर्स। चीयर्स। अरे मरा क्यों नहीं अब तक? इसकी सांसें अभी तक चल रही हैं। थोड़ी बहुत पिला दें क्या? बियर और जहर दोनों लेके। मुझे नहीं पता अरुण भाई, चूहों पर तो सही काम कर जाती है दवा। हम लोग यहाँ और देर रुक नहीं सकते, इसको कहीं लेके जाना होगा। क्या बोलता हूँ ना, गाड़ी यहीं कहीं रोक लेते हैं, ये जगह सुनसान लग रहा है यार। सारी जगह खाली कर दी ना, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं होना चाहिए इसके पास। पूरा का पूरा साफ किया है एकदम। भाई इसकी सांसें तो अभी भी चल रही। भाई मेरे पास एक चाकू है, जल्दी कर फंस जाएंगे भाई। साले अरुण दगाबाज। ए चलो चलो निकलो यहां से।
बोला मेरी उर्मिला बियर जैसी है, एक बार बुलबुला खत्म तो उठा के फेंक देगा साला। और वफादारी के नाम पे तेरे खून में चार बुलबुले के आ गए, तूने दिनेश को मार डाला। अब शांत दिमाग से सोच अरुण, क्या हासिल किया तूने? हाँ, तू और तेरे ये दोस्त जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। क्या अब भी तू उर्मिला से वफादारी की उम्मीद करता है? क्या नाम बताया लड़की का? लोकेश, ये लड़की नहीं औरत है, नाम है उर्मिला, तलाकशुदा है। उसका और एक प्रेमी था अरुण भंडारे, आपके बेटे दिनेश का कत्ल इसी अरुण ने किया है। हमारा बेटा इस उर्मिला से प्यार करता था? मालती जी, प्यार का तो मुझे पता नहीं, पर हाँ इन दोनों में रिश्ता जरूर था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हो कि अरुण ने दिनेश को धमकाया था। मुझे पता था कि अरुण नाराज है, लेकिन इन धमकियों के बारे में कुछ नहीं पता था। अरुण नाराज था ये बात तुमने हमें बताई नहीं, इनफैक्ट तुमने अरुण के बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं। अरुण भंडारे एक शख्स था जो दिनेश और तुम दोनों को जानता था। दिनेश सिर्फ एक अच्छा दोस्त था मेरा, हम दोनों की अच्छी जमती थी, लेकिन मैं कभी भी उसके लिए सीरियस नहीं थी। मैं आपको कैसे बताऊं ये बात? मत बताइए, हमारे काम की चीज ही नहीं ये जानना कि तुम दोनों के बीच क्या होता था और क्या नहीं। हमारे लिए ये चीज मायने रखती है कि तुम्हें पता था कि तुम्हारी बेवफाई ने किसी को गहरा जख्म दिया था, किसी को गुस्से में डुबोया था, किसी को इस बात का एहसास दिलाया था कि वो ठुकराया हुआ है। अरुण भंडारे और उसके साथीदार पवन और करण को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 363 के तहत अपहरण के लिए, धारा 328 के तहत आपराधिक इरादे से किसी को जहर या कोई नशीली दवा देकर नुकसान पहुंचाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए बुक किया गया है। फिलहाल तीनों कानूनी हिरासत में। हर इंसान को जिंदगी बतौर चुनौती कभी ना कभी एक आईना दिखाती है। हरीश गायकवाड़ को आईने में साफ नजर आया कि उसकी पत्नी किसी और से प्यार करती है। उसने क्या किया? उसने उर्मिला को जाने दिया। और यही सच्चाई जब जिंदगी के आईने ने अरुण को दिखलाई तो उसने देखने से इनकार कर दिया। अपने विवेक और जमीर दोनों की आंखों पर पट्टी बांधकर वो सबसे बड़ा जुर्म यानी कि कत्ल करने पर उतर आया। तीसरी ओर दिनेश मोरे, इस नौजवान को आईने ने बखूबी इत्तला दी थी कि भले ही वो उर्मिला से प्यार नहीं करता, लेकिन उर्मिला का उस पर प्यार किसी और के प्यार का गला घोट रहा था। दिनेश को पता था कि वो खतरे से खेल रहा है, लेकिन वो उर्मिला के साथ खेलता रहा। टूटा रिश्ता अक्सर घायल भावनाओं का दर्पण होता है। रिश्तों में दर्द देने वाला खुद दर्द से नहीं बच सकता। बेहतर यही होता है कि दर्द को अपनी मंजिल ना बनाए, घायल प्रेमी नया रास्ता चुने और अलविदा कहें उस रिश्ते को जो उस दर्द की जड़ है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।